जिला डोडा के गांव फंगोटा में सरकारी महकमे को अलर्ट करदा सरकारी अराजी से तजावजात का खात्मा। तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक और एसपी बदरो अब्दुल कयूम की जेरे निगरानी रेवेन्यू हुकाम की बरवक्त मुदाखलत की वजह से तहसीलदार डोडा के गांव फंगोटा में सरकारी अराजी पर बड़े पैमाने पर तजावजात को रोका गया। इतलात के मुताबिक सरकारी महकमे के इस्तेमाल के लिए मुख्तस सरकारी अराजी के एक हिस्से को ईद के दिन फंगोटा नामी गाँव की तजावजात की गयी। तजावजात की इतला मिलते ही तहसीलदार डोडा मौका पर पहुंचे और उन्होंने एसपी बदरवा को भी, जिसके बाद इंचार्ज पुलिस पोस्ट भाला की सरबराई में पुलिस अमले की बरवक्त कार्रवाई से सरकारी अराजी पर तजावजात का खात्मा किया गया। ईद उल अजहा पर पाकिस्तान व भारतीय फौजों ने शुमाली कश्मीर के दो अजला में कंट्रोल लाइन के साथ मिठाई का तबादला किया। पुरानी रिवायत को जिंदा करने के मकसद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने ईद उल अजहा के मौके पर शुमाली कश्मीर के दो अजला कुपवारा और बारामूला के तारीखी तेथवाल क्रॉसिंग पुल और उड़ी में कमान अमन सेतु पर मिठाई का तबादला किया। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में सिख पुल के करीब बुध के रोज एक नाबालिग लड़का नाला काजी नाग में डूब गया। हुकाम ने बताया इस लड़के की लाश तलाश करने के लिए मुहिम जारी है, जिसकी शिनाख्त कामरान शबीर उम्र 13 साल वल शबीर हुसैन शाह साकना चितरकोट के नाम से हुई है। डोडा इंतजामिया ने की एडवाइजरी जारी। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट के आबी जखीरे की वक्तन फवक्तन स्लिट फ्लैशिंग के लिए 22 जुलाई को रात 12 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान स्पिल गेट्स खोलने की वजह से दरियाए चिनाब की आबी सतह में इजाफा होगा। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। वस्ती चीन में शदीद बारिश की वजह से 13 अफराद हलाक, 1 लाख के करीब लोग हुए बेघर। वस्ती चीन के जिंगजू शहर में 3 रोजा शदीद बारिश से 13 अफराद हलाक हुए और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद हुए बेघर। जिंगजू चीन के वस्ती हिस्से में वाका सोबा हनान के दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तानी ते कने भारतीय फौजें शुमाली कश्मीर ते दुई जिलों में कंट्रोल लाइन पर मिठाई तो करो तबादलो। शुमाली कश्मीर ते कुपवाड़ा जिले में सिख पुल ते नेड़े आज एक नाबालिग मठड़ो नालो में सिखता डूबी गयो। हकाम ते मुताबिक ए मठड़े ती लाश ती तलाश ती मुहिम एला तगरी जारी छी। ए मठड़े तो नाम कामरान शबीर वल्द शबीर हुसैन जेती उम्र 13 वर्ष बुती। आज वस्ती चाइना ते जेंगजू शहरों में जबरदस्त देव लगने की वजह साथी 13 माचे हालात ते कने 1 लाख माचे बुंगे उचे बेघर। आज ते सराजी खबरनामे में फिलहाल एतरोही देत इजाजत। खुदा हाफिज। फंगोता डाउए में सरकारी महकमे जी अलर्ट बोरी सरकारी बेगन सी तजावजात की है खत्म। तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक ते एसपी फडला अब्दुल कयूमरी जेरे निगरानी में रेवेन्यू बालागिरी बर वक्त मुदाखलदेरी वजह से तहसील डोडा रे फंगोते में सरकारी बेगन पूरी बड़े पैमाने पूरी तजावजात की और रद। ईद उल अजहा रे मौके पूरी पाकिस्तान ते हिंदुस्तान री फौजा शुमाली कश्मीर रे कुपवाड़ा ते बारामूला जिलन में कंट्रोल लाइन पूरी इबमजी मिठाई बंटी। शुमाली कश्मीर रे जिला कुपवाड़ा में सिख पुल रे नेड़े आज बुधे दिहाड़े एक नाबालिग मठो काजियाक नाले में डूबी जाऊ। हुकामे जाऊं की असमा ठे लाश तो अपने लिए मुहिम की जारी। असमा ठेरनो कामरान शबीर उम्र 13 साल बहुरनो शबीर हुसैन शाह जैकी चितरकूटरो रहने वालों है। डोडरी इंतजामिया की एडवाइजरी जारी की लोकन का गुजारिश की तेंडूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट री स्लिट फ्लशिंग करने लिए 22 जुलाई रात रे 12 बजन का नडोजा शही बज करे मजाटे स्पिल गेट खोले री वजह से दरिया चिनाबेरी आबी सताई में इजाफो बोलो। तने लोगन का गुजारिश की यूरी की तैन दरिया रे किनारे नागान। वस्ती चीने में बड़ी झड़ी पैन सी 13 जन बुए हलाक ते किला खेरने रे लोग बुए बेघर। चीने रे जांगजू शहर में टलाई दिहाड़े करी शदीद जड़ी सी 13 जन बुए हलाक ते 1 लाख गने ज्यादा लोग बुए बेघर। जांगजू चीने रे वस्ती हिस्से में वाका सुबह बनाने रू दारुल हुकूमत तक आना सिबने मा बड़ू शहर है। से साथी दैत अपने मेजबान नई मुलक वैनी जी इस उम्मीदी साथी इजाजत काला इंशाल्लाह फिरी बोली मुलाकात।